एवरीवन, वेलकम टू ट्विस्टेड रेसिपीज़ बाय पूनम। आज हम कुछ बहुत स्पेशल बनाने लगे हैं और आज किड स्पेशल है, तो आज हम बच्चों के लिए बनाएंगे चॉको चिप कुकीज़। बहुत इजी है और बड़ी जल्दी बन जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें व्हिप करेंगे वो हम लेंगे आपका वन फोर्थ कप लेंगे हम बटर। और ये जो बटर है हमारा, ये हम सॉफ्ट बटर लेंगे, येलो वाला। अगर आप वाइट बटर लेते हैं तो आपको इसके अंदर करीबन एक चौथाई चम्मच आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा नमक। तो इट इज़ बेटर कि आप सॉल्टेड बटर लें। और हम इसमें डालेंगे करीबन एक चौथाई पाउडर शुगर और दो चम्मच और, मतलब एक चौथाई प्लस टू टेबलस्पून। और हम इसको व्हिप करेंगे ये एग बीटर से। सारा मिक्स हो जाएगा अच्छे से। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बड़ी जल्दी बनती है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं इसको। तो ये आपको तब तक करना है जब तक ये शुगर और बटर स्मूथ नहीं हो जाता, तब तक आप इसको मिक्स करेंगे। जब ये स्मूथ हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपना मैदा। और इसमें हम मैदा डालेंगे 3/4 कप। ये रहा मेरा मैदा। ये देखिए, ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया, तो थोड़ा और फ्लफी हो जाए। ये परफेक्ट हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी। अब इसके अंदर हम ये जो है हमारा 3/4 कप मैदा, ये मिक्स कर देंगे। और हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चॉको चिप्स और इसमें डालेंगे हम 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर और 1/2 teaspoon ही हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस। That's it. बस ये इतने थोड़ी सी इंग्रेडिएंट से बन जाएगा और बच्चे खुश हो जाएंगे बिल्कुल। और घर की चीज़ है, साफ़ सुथरी बनती है, इजी है, ज़रूर ट्राई करें इसको। बस इसको अब हम दोबारा जो है इसको हम बीट करेंगे, तो मैं बीट करके आपको दिखाती हूँ। ये अब मिक्स हो गया है, ये आपका कुकी बैटर हो गया है तैयार, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बस ये देखिए, बस अब मैं इसको अब अपनी जो है बेकिंग ट्रे रेडी करती हूँ। और बेकिंग ट्रे रेडी करके और मैं इसको उसमें आपको दिखाती हूँ कि इसको लगाना कैसे है उसके अंदर। ये देखें, ये बिल्कुल मेरा जो है मटेरियल रेडी है कुकी डो। एक चीज़ याद रखिए, अगर जैसे आपने इसमें बटर डाला है 1/4 plus 2 tablespoon इसमें हमने बटर डाला है, अगर आपको लगे कि कम है और जॉइन नहीं हो रहा तो आप 1 tablespoon और बटर का डाल सकते हैं। मैंने भी डाला है एक एक्स्ट्रा। ये देखिए, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। That's it. अब हम ट्रे में लगाएंगे अपना बटर पेपर एंड वी विल पुट इट फॉर बेकिंग। हमने जो अपना ओवन है वो 180 डिग्री से गर्म करना लगा दिया। ये देखिए, ये हमारी बेकिंग शीट, इस पे अब हम बिस्किट्स लगाएंगे। इससे करीबन 9 से 10 बिस्किट्स आपके बन जाएंगे। ये देखिए,
ये ऐसे आपने बिस्किट्स बना के इस पे एडजस्ट करने। तो मैं पूरी ट्रे रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारी कुकीज़ जो है बेकिंग के लिए रेडी हैं। इसके ऊपर भी आप थोड़ा थोड़ा जो चॉको चिप्स है लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है आपको लगाना है नहीं लगाना। तो थोड़े थोड़े इसके ऊपर भी लगा दीजिए आप चॉको चिप्स। और बहुत मोटा नहीं बनाएंगे कुकी को, ये दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए बहुत मोटा नहीं है, ऐसा है हाफ इंच से थोड़ा सा कम जो थिकनेस है इसकी। ये हमारी बनी है 7 कुकीज़ बनी है 3/4 कप मैदे में। तो आप इसका क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसमें हमने लिया है 1/4 कप जो है, 1/4 कप हमने लिया है बटर प्लस 2 टेबल स्पून में के साथ प्लस 1, दैट मीन्स इसमें हमने लिया है 1/4 आपका कप जो है बटर का, मेल्टेड बटर प्लस 3 टेबल स्पून ऑफ बटर। 3/4 कप हमने लिया है आपका मैदा, हमने लिया है 1/4 कप ऑफ शुगर प्लस 1 टीस्पून मोर, एंड 1/4 कप वी हैव टेकन चॉको चिप्स और ऊपर से भी हमने लगाए हैं। और हमने हाफ टी स्पून जो लिया है वो लिया है बेकिंग पाउडर, और हाफ टी स्पून ही हमने वनीला एसेंस लिया है। अब हमने जो अपना अवन है, इससे हमारी 7 कुकीज़ बनी है, हमने जो अपना अवन है वो हमने गर्म करना रख दिया है, प्री हीट करना 180 पे। तो वो 10 मिनट्स प्री हीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इसको उसमें डालूंगी एंड 15 मिनट्स में आपकी कुकीज़ विल बी रेडी। तो मेरा ओवन गर्म हो गया, इसको मैं उसमें रखती हूँ, और रेडी होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लगेंगी। तो ये रेडी हो गई है हमारी एगलेस चॉको चिप कुकीज़, बिल्कुल होममेड इजी रेसिपी। तो इसको ज़रूर बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं अपने घर में। अच्छा, ये जब गर्म होती हैं तो ये सॉफ्ट होती है, अभी ये सॉफ्ट है, इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे बिफोर यू टेक इट ऑफ द बटर पेपर। बटर पेपर से उठाने से पहले इसको पूरा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको बटर पेपर से उतारेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगी। ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, इनको ठंडा होने में ये पहले ठंडी होएंगी, फिर सेट होएंगी, फिर इसको उतारेंगे बटर पेपर से। कम से कम हाफ एन आवर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद इसको हम प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये है हमारी चॉको चिप एगलेस कुकीज़। तो खुद भी खाएं, घर में सबको खिलाएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन। तो ये रही हमारी कुकीज़ एकदम रेडी हॉट कॉफ़ी के साथ। तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, आज वैसे भी बारिश हो रही है, तो इसको ज़रूर बनाएं और खाएं, एंड दैट्स इट। एंड ये रही कुकीज़, मुझे कहते तो मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ, दे आर एकदम क्रंची अंदर से। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।